तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट हैं और इन्होंने रिवॉल्विंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से रिवॉल्विंग क्लीनिंग कर लिया है इन्होंने, सरफेस को भी बिल्कुल प्लेन क्लीन कर लिया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो अभी आप क्या करने वाले हो इसमें? अब इसको बैठाएंगे। आप इसको बैठा देंगे अभी? हाँ सर। तो बताइए क्लीनिंग प्रोसेस में रिवॉल्विंग में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, टाइम लगा थोड़ा सा। टाइम थोड़ा सा लगा क्योंकि देखिए डुअल डेकर है और फर्स्ट बार किया है ना आज? पहली बार किया है आपने? पहली बार किया। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बार और दिखा देते हैं हम अच्छे तरीके से। सरफेस इन्होंने क्लीन कर लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर विक्की कुमार, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विक्की जी, चलिए मैं इनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये हमारे एक्स स्टूडेंट हैं। वो कैसे हैं कि ये पहले कब आए थे आप इससे पहले? सर फरवरी में 2020। 2020 के स्टूडेंट हैं और ये केवल और केवल MMC करके गए थे, फिर उन्होंने सोचा कि चलो फुल कोर्स करते हैं। तो ऐसा क्यों लगा कि इसे टेलीकॉम ही आपको ज्वाइन करना चाहिए? सर आए थे, काम किए थे तो भरोसा था और काम भी अच्छा लगा हमको, समझ में आया, नॉलेज में आया कि हाँ ये समझने लायक है, यही हम समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर एक स्टूडेंट एक बार कहीं जाता है, अगर उसको नॉलेज नहीं मिलता है तो वो कभी भी दोबारा उस फील्ड में या उस इंस्टीट्यूट में कभी नहीं जाएगा। तो चलिए, ये हमारे एक स्टूडेंट थे और उन्होंने फिर फुल कोर्स का फैसला लिया। तो जो आपका डिसीजन था कि चलेंगे फुल कोर्स करेंगे, तो सारी चीज़ जो मैडम से आपकी बात हुई थी वो मैडम आपसे पूछेंगी और वो चीज़ आप लाइव में बोल सकते हैं। अगर जो भी चीज़ें नहीं हुई हैं तो आप लाइव भी हैं, हम लाइव में भी आप बता सकते हैं कि जो जो मैडम ने बोला था वो चीज़ें पूरी हुई कि नहीं। तो चलिए ठीक है, मैडम आपसे पूछेंगी। ठीक है, सबसे पहले बताइए कि आप आए थे तो 27 को आपको एक काउंसलिंग क्लास दिया गया कि नहीं दिया गया? जी मैम, दिया गया था। मतलब आते ही साथ आपसे पहले हमने फीस तो नहीं ली ना? नहीं नहीं, फीस नहीं, काउंसलिंग क्लास हुआ था। हाँ। उसके बाद फीस दिया गया हम लोग कि भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो हमको तो समझ में आना ही था क्योंकि ऑलरेडी हम करके गए हुए थे। कौन सा किया था आपने पहले? MMC किया था। MMC किया था जी। फिर अभी आके आप पूरा कवर कंप्लीट कर रहे हैं? ठीक है, तो आपको कहा गया था एंड्रॉइड में कंप्लीट 0 लेवल से लेकर पूरा जो चिप लेवल तक है वो आपको सिखाया जाएगा, तो आपने किया कि नहीं किया? जी मैम, पूरा कंप्लीट किया मैम। ठीक है, तो खुश हो आप यहाँ आकर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन? जी मैम, पूरा खुश है। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुशी तो होगा ही ना मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखिए ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें ही हम पूछेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम इमरान है, ओडिशा से। तो फाइनली आज हमारी क्या किस चीज़ की क्लास चल रही है? अच्छा, डुअल टेकर की क्लास है। डुअल टेकर क्लास चल रही है। तो चलिए, एक बात हुई थी कि अगर आपको 4 दिन में ऐसे टेलीकॉम में समझ में नहीं आता है तो आप 5वें दिन वापस घर जा सकते हैं, तो आप अभी तक क्यों बैठे हैं? नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में काम सिखाया जाता है ना, तो हम लोग क्यों जाएँ? नहीं सिखाया जाता तो हम लोग घर चल जाते हैं। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि 4 दिन के बाद हमने बोला था और वो पैसे ना दे रहे हो, आप मांग रहे हो तो? ना, ऐसा नहीं। आपने पैसे मांगे थे? नहीं 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 मांगे थे, काम हो रहा था, क्यों मांगेंगे हम? ओके, तो ये जो वीडियो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आप जो नहीं देख रहे हैं, ये रिमाइंड वीडियो इसलिए है कि जब आप फर्स्ट टाइम बात करते हैं MD सर से या मैडम से बात करते हैं, जब आप डिटेल लेते हैं तो मैडम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि ये है, ये कराया जाएगा, ये सारा सिलेबस बताया जाता है। तो अब मैडम पूछेंगी और आप भी पूछ सकते हैं कि जो मैडम ने बोला था वो चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई। तो आप भी पूछ सकते हो और आप भी बता सकते हो कि मैडम आपने ये चीज़ें बोली थी और ये चीज़ें नहीं हुई। चलिए ठीक है मैडम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने क्या देखकर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था?
यहाँ पे तो काम यहाँ पे काम हो रहा है, मैं भी सुना था एक दो बंदे का जो फ़ोन नंबर भी दिए थे लाइव, तो उनको कॉल करके पूछा आदमी कि हकीकत में यहाँ काम होता है कि या कुछ काम नहीं होता है, तो वो लोग बोले नहीं आराम से आँख बंद करके जाओ, काम होता है। तो वही विश्वास में आ गया, आके देख भी रहा हूँ काम हो रहा है। ठीक है, मतलब आपने भी हमारी जो लाइव वीडियोस होती हैं वो जी, देखी। जी जी जी। तो आप अभी यहाँ आके आप जस्ट उसी जगह पे बैठे हो और काम कर रहे हो, तो ये बताओ कि ये फेक है कि जेन्युइन? नहीं मैडम, फेक कैसे है, हम लोग आके काम कर रहे हैं ना, एक महीना एक घंटा आधा घंटा भी रेस्ट नहीं मिला हम लोग को, फेक कैसे होगा, फेक नहीं होगा, मैंने दिन से लेकर रात तक हो जाता है, काम ही होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कितने दिन की क्लास बताई थी मैं, सॉरी कितने घंटे की डेली मैंने क्लास बताई थी आपको, कितना घंटे आप, दिया जाए? आप बोले थे 12-13 घंटे, लेकिन यहाँ 14-15 घंटा क्लास हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, तो थ्योरी ज्यादा करते हैं आपकी प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। पहले दिन से आईसी पे काम करते आ रहे हैं? जी जी, पहले दिन से। तो ये बताओ कि मतलब पहले ही दिन से हम आपसे आईसी पे काम कराते हैं, तो ये कितना जरूरी, थोड़ा सा बताओ ये बात। जरूरी तो बहुत है, क्योंकि दुकान में हम लोग जब पाता था काम आईसी, तो हम लोग देख के समझ नहीं पाते थे कैसे क्या खोलना है, हीट का मतलब कितना रखना है, ईयर बोर्ड फुल जाता था। अभी यहाँ पे जो हर चीज टेक्निक बताए हैं सर, बहुत इजी बताए हैं, तो हम लोग डुअल टेकर हो, कुछ भी हो, हम लोग आराम से खोल देते हैं, ब्लैक पेस्टेड हो या डुअल टेकर हो, कुछ भी हो, हम लोग खोल देंगे आराम से, है ना। मतलब पहले दिन से हमने इनसे आईसी पे काम कराया है, तो जाके आज ये डुअल टेकर पे बैठे हैं और कर रहे हैं, इनका हाथ बैठा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम आशिक हुसैन भट्ट और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से इतना दूर, जबलपुर, एमपी जबलपुर, क्या सब नाम वाम सुना था कभी? नाम तो नहीं सुना, तो मैंने यूट्यूब में देखा ऐसे ही, तो मैंने देवरतन सर को देखा जिस तरीके से वो पढ़ाते थे, तो पहले मैं बहुत से नशर को फॉलो कर रहा था और हर एक टीचर को देख रहा था कि कौन कैसा पढ़ा रहा है जी। तो जब मैंने देवरतन सर को पढ़ाते हुए देखा तो समझ में आता था, तो कुछ कुछ बातें छूट भी जाती थी, तो वो देखने के लिए मैं यहाँ आ गया और जो मैंने सोचा था वैसे उस्ताद मुझे सारे मिल गए। तो कुल मिला के आपने नॉलेज देख करके यहाँ पे आप आए थे कि हम वहाँ पे जाएंगे, ये नॉलेज अगर वीडियो में दे सकते हैं तो लाइव में कितना देंगे। तो फिर आने से पहले आपकी मैडम से बात हुई थी, तो मैडम जब बात हुई तो मैडम ने कुछ आपको बताया होगा, आपने भी मैडम से कुछ पूछा होगा, तो दोनों ही बातें अभी होंगी, आप भी मैडम से वो सारी चीज़ें पूछेंगे कि एक्चुअल में वो चीज़ जितने भी मैडम ने बोला था, ब्लैक पेस्टेड हो, डुअल टेकर हो, या फिर प्रोग्रामिंग की बात करें, या फिर जितना भी सिलेबस उन्होंने बताया था वो पूरा हुआ कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप इतने दूर से हो तो क्या यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हुई क्या? नो, कोई दिक्कत नहीं हुई। एड्रेस वगैरह सब दिया गया था जी, आपको जी, आपको कंटेन बताया गया था, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के आना जी, सब मैसेज भेजी गई थी, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमने पढ़ा था, हम आ गए। तो देखिए, हम इनसे जो फॉल्टी सेट हैं वो भी सेक्शन के हिसाब से मंगवाते हैं, ताकि यहाँ एक एक सेक्शन होगा तो यही उसको रिपेयर करें। तो आईसी पे काम आपने पहले दिन से किया है यहाँ? हाँ, पहले दिन से किया। ठीक है, तो आपको तीसरे दिन बोला गया था कि आप ऑन बोर्ड में 4G पावर आईसी डन करोगे, चौथे दिन में 4G सीपीयू डन करोगे, किया था आपने? किया। ठीक है, अभी आप ड्यूअल डेकर पे काम कर रहे हैं? यस, ड्यूअल डेकर पे काम कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमारा ईएमसी का सेक्शन हुआ, तो आपने पेस्टेड आईसी डन की? यस, डन किया। ठीक है, तो खुश हो आप ज्वाइन करके? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से, सचिन नाम मेरा। सचिन जी, चलिए बताइए आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? आज डबल टेकर की क्लास है सर हमारी। डबल टेकर की क्लास, तो ये बोर्ड जो आपको मिला है तो कितने पैसे लिए गए? नहीं, पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। तो ये सारा कुछ आपको बताया गया था कि आपसे डबल टेकर कराया जाएगा, ब्लैक पेस्टेड कराया जाएगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की क्लास, हार्डवेयर, तो ये सब कुछ अभी आपसे मैडम बात करेंगे। तो फिलहाल आप हमें एक बात बताइए, हम सभी स्टूडेंट को कहते हैं अगर आप 4 दिन में नहीं सीख पाते हैं तो आप वापस जा सकते हैं, तो अभी तक आप क्यों बैठे हो? सर मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं सर। वादे किए थे पूरे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल 4 दिन पढ़ाया उसके बाद फिर ना पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं सर, वैसा कुछ नहीं, डे वन से पूरी क्लास एकदम परफेक्ट से तरीके से चालू है सर। परफेक्ट तरीके से चालू है। तो आप हमें एक बात बताइए कि जो मैडम से आपकी बारी बात हुई थी, तो मैडम जितनी भी बातें हुई थी मैडम आपसे पूछेंगे अभी, वो सारी चीज़ें पूरी हुई कि नहीं? तो चलिए मैडम ही पूछते हैं आपसे। हाँ, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। सबसे पहले ये बताओ आप कि जैसे कि आपको पता है इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश जबलपुर सिटी में है, तो ये क्या आप वहाँ रह के सीख सकते थे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो लाइव काम होता है ना, हाँ, वो ऑनलाइन काम नहीं होता मैडम। कैसा है या पढ़ना या करना, सर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा क्या नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम
वो सब लाइव नहीं हो सकता मैडम। कितने कितने घंटे क्लासेस होती हैं यहाँ? यहाँ कम से कम 12-13-14 घंटे क्लास होती है। तो थ्योरी ज़्यादा होता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है? प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है मैडम, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। मतलब जो भी चीज़ें आप जो सेक्शन लेते हो उसको आप उसका प्रैक्टिकल आप खुद ही करते हो? हाँ, नहीं नहीं खुद करता हूँ मैडम। अच्छा, आने के साथ ऐसा तो नहीं कि आपसे मतलब आते ही साथ हमने फीस ले ली हो, पहले कोई क्लास न दी हो, कुछ बताया? नहीं नहीं नहीं, पहले दिन क्लास थी हमारी 27 तारीख को, बाद में फीस का जिक्र किया गया है। और उसके बाद 4 दिन का जब स्टूडेंट को कुछ समझ में ना आए, कोई फीस वापस लेना चाहे तो वो ले सकता है, किसी को समझ में ना आए तो वो भी यहाँ पे वादा था लेकिन मैंने नहीं लिया। पसंद आया? हाँ, बहुत बढ़िया। गलत जगह तो नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, गलत जगह नहीं आया, पैसा वसूल है मैडम। ठीक है। अच्छा, अभी आपसे 5 से 6 दिन हमने कंटिन्यू पेस्टेड आईसी पे काम कराया, तो किया है आपने? हाँ मैडम, सब ने किया, मैंने नहीं, सब ने किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर, मैं गुजरात से हूँ और मेरा नाम महावीर है। महावीर जी गुजरात से, गुजरात में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, तो आपने ऐसे टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया? सर, नॉलेज के लिए देखता नॉलेज के लिए आपने ज्वाइन किया। तो जैसे आपने बताया नॉलेज, तो क्या यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं नॉलेज है कि नहीं है उनको? है ना सर, सबके पास है। सबके पास है, तो हम जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं कि कभी हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं, कभी सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं, कभी ब्लैक पेस्टेड करा रहे हैं, ऐसा कुछ? कभी सब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और ये होना भी चाहिए। तो जो हम क्लासेस बताते हैं कि 12 घंटे या फिर नहीं पढ़ाते, तो क्या एक्चुअल में वो सही है कि नहीं है? सही है सर, 12 घंटे पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं। चलिए, तो उसके बाद जो मैडम आपसे बात करेंगे कि एक्चुअल में जब आपने एडमिशन लिया था तो जो जो मैडम ने आपको बोला था वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं कि नहीं हुई, और आपसे भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप भी बता सकते हैं लाइव में कि सर मैडम आपने ये चीज़ बोला था और ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए मैं वही चीज़ें यहाँ सारे स्टूडेंट से पूछने वाली हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने इनको बताई थी, बोली थी, जिस दिन जो सेक्शन होगा ये पेस्टेड आईसी पे काम करेंगे, ये ऑन बोर्ड में 4G CPU डन करेंगे, पावर आईसी डन करेंगे, सबसे पहले इनका हार्डवेयर से सेक्शन स्टार्ट होता है कंपोनेंट टेस्टिंग से, तो हम यहाँ सबसे वही चीज़ें पूछेंगे कि आपको वो चीज़ें मिली कि नहीं मिली। तो पहले दिन आप बताओ कौन सी क्लास थी आपकी? हमारे पहले दिन थी यूनिवर्सल से CPU रिबॉल लगी थी। ठीक है, मतलब आपने आईसी रिबॉल की होगी पहले, नॉर्मल नॉर्मल सेकंड आपने यूनिवर्सल से। ठीक है, और पहली क्लास आपकी किसकी थी? कंपोनेंट पे आपको क्लास दी गई? कंपोनेंट की थी पहले। अच्छा, ये बताओ कि आपने जैसे कभी सपोज आईसी पे काम नहीं किया और हम डायरेक्ट आपको 4G CPU दे देते कि लो आपको इसको रिबॉल करना है, ऑन करना है, निकालना है, तो आप कर पाते क्या? नहीं सर, मैडम नहीं कर पाते। ठीक है, तो खुश हो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके? यस। कितने कितने घंटे क्लास मिलती है डेली आपको? 14-16 घंटे कम से कम, मतलब कंटिन्यू ही आपका रहता है। प्रैक्टिकल ज्यादा करते हो? हां प्रैक्टिकल। अच्छा, ये बताओ थ्योरी ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है? प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ज्यादा जरूरी है। दोनों जरूरी है। जो भी चीज आप सीख रहे हो, जो भी थ्योरी आप ले रहे हो, उसका उसी दिन प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको उसी दिन क्लियर हो जाएगा कि वो चीज आपसे आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो ना आप ज्वाइन करके? गलत जगह तो नहीं आए? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नमस्कार, मतलब फिर से हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, तो अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं फ्रॉम पंजाब से हूँ। पंजाब से मध्य प्रदेश जबलपुर में आप बैठे हो यहाँ पे, किस लिए बैठे हो अभी आप? मेरा एशिया टेलीकॉम वालों से कुछ लेना देना था, इसीलिए बैठा हूँ। तो आपने ऐसे टेलीकॉम जब क्या सोच के ज्वाइन किया कि चलो मध्य प्रदेश दिल्ली क्यों नहीं चले गए आप, और भी कहीं थे इंस्टीट्यूट, आप वहाँ क्यों नहीं चले गए, आप यहाँ MP क्यों ज्वाइन किया? सर ऐसा था ना कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि मैंने इधर जबलपुर में मेरे दो कज़न थे यहाँ पे। जी जी। तो मैंने एक दिन पढ़ा, मैंने उनको, मेरा यार दोस्त, मैंने उनको पूछा, मैं कहा यार मेरे को काम करना है, सीखना है, मैं कहाँ पे जाऊँ? बोला यार आप दिल्ली में मत जाओ, कहीं MP में देख लो आप। मैं कहा MP में कहाँ पे? बोले जबलपुर। तो मैंने जब सर्च किया ना तो एशिया फर्स्ट में एशिया टेलीकॉम का ही नाम निकला। जी। तो फिर मैंने सर से बात की, MD सर से, और मैम से भी मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने बोला आप आ जाओ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आ जाओ, आप 4 दिन देखो, अगर आपको 4 दिन अच्छा लगा तो वो चीज़ अभी मैडम आपसे पूछेंगी। हाँ, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि मैडम ने जितना आपको बताया वो सारी चीज़ें पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं सर, पूरी है, 100% पूरी है। अब वो क्या क्या चीज़ मैडम ने पूछा वो आपसे ही पूछेंगी, और आप अगर वो चीज़ें नहीं हुई हैं तो आप लाइव में बता सकते हो। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि क्लास आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? फर्स्ट क्लास हमारी आईसी रिबॉलिंग पे स्टार्ट हुई थी, यूनिवर्सल टेंशन से, पावर आईसी, और उसके बाद CPU वगैरह, EMMC वगैरह, ये सारा रिबॉल किया था यूनिवर्सल टेंसिल से।
ठीक है, मतलब आपका कहना है कि पहले दिन से आपने आईसी पे काम किया? हाँ, आईसी पे काम किया। प्रैक्टिकल आपको किस चीज़ की दी गई थी? दोनों चीज़ें मैम एक साथ ही मिलती हैं। ठीक है, मतलब आपका कंपोनेंट से स्टार्ट हुआ होगा, कंपोनेंट आपको करने के स्टार्टिंग में जो है पहले कंपोनेंट से स्टार्टिंग हुई थी। हाँ, स्टार्ट हुई थी जीरो लेवल से। यहाँ क्लास स्टार्ट होती, देखिए हम फोन को खोलना, उसकी डिस्प्ले वगैरह चेंज करना नहीं बताते हैं, यहाँ पर बोर्ड से काम शुरू करते हैं जिसमें इनकी कंपोनेंट से क्लास स्टार्ट होती है जीरो लेवल से। तो बताओ, ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी भी दिन आपको हार्डवेयर पढ़ा दिया, किसी भी दिन सॉफ्टवेयर हो गया, या किसी भी दिन आपका ईएमएमसी हो गया? नहीं नहीं मैम, एशिया टेलीकॉम का टाइम टेबल है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप है। अगर एक साथ ही सब कुछ रख देंगे ना, खाने को रख जाए देंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या छोड़ू और क्या खाऊं मैं। इसलिए लेवल बना हुआ है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, एक दिन ये क्लास है, दूसरे दिन। अभी पहले सर के साथ ही हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास थी, तीन चार दिन की सॉफ्टवेयर, अभी चार पाँच छः दिन हमारी एमएमसी की क्लास रही, अभी ड्यूल टेकर की क्लास है। तो स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ जो भी है। ठीक है, तो आपको ये बोला गया होगा कि आपकी पूरा जीरो लेवल से लेकर एंड्रॉइड लेवल में जितना भी अपडेट आ चुका है ये सब आपको बताया जाएगा। तो आपने पूरा किया कि नहीं किया? नहीं किया मैम। 4G ऑन बोर्ड में, 4G पावर आईसी तीसरे दिन था, चौथे दिन हमारा 4G सीपीयू था ऑन बोर्ड में। तो आपने डन किया कि नहीं किया? मैंने दो फोन निकाले थे, एक 5A किया था और उसके बाद जियो भी किया। अच्छा। उसके बाद मैंने नोट 4 का पावर आईसी निकाल के उसको ऑन करके दिखाया था। पेस्टेड आईसी डन की? हाँ, पेस्टेड आईसी भी किया। ठीक है, अभी आप ड्यूअल टेकर कर? हाँ, ड्यूअल टेकर निकाल दिया, अब इसको क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, खुश हैं कि नहीं इंस्टीट्यूट जॉइन करके? खुशी तो हो रही है मैम। अच्छा, आपके स्टेट से कोई आना चाहे तो क्या बोलूं? दिल खोल के आए, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, तो जैसे आप इनको लाइव देख रहे हो, कल के दिन आप आओगे तो आप भी यहाँ बैठ के काम करोगे और दूसरे स्टूडेंट को बोलोगे कि आप ज्वाइन कर सकते हो, भरोसेमंद इंस्टीट्यूट हमारे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम सोनू है, मैं बिहार से हूँ। सोनू जी बिहार से भी काफ़ी स्टूडेंट हैं इस बार, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल से हैं। चलिए ठीक है, आज किस क्या कराया जा रहा है? आज डबल टेकर का सीपीयू का उसका निकालने का। डुअल टेकर, तो चलिए डुअल टेकर का पहले सर ने आपको बताया कि कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, कितना एयर, कितना हीट, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाया सर ने? सर बिल्कुल लाइव दिखाया और बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आप बोर्ड दिखाइए थोड़ा अपना, ये फ्रेश बोर्ड है कि पहले से निकला हुआ है? सर फ्रेश बोर्ड है। ग्लू लगे हुए? ग्लू लगा हुआ था। कितने पैसे लिए गए इसके? ये फ्री ऑफ कॉस्ट एशिया टेलीकॉम की तरफ। एशिया टेलीकॉम से? ऐसा तो नहीं बोला बाद में पैसा चाहिए वीडियो बनने के बाद? ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। तो चलिए ठीक है, आपने जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो काफी सारे आपसे बातें हुई होंगी मैडम से, तो जो जो बातें मैडम से हुई है वो आपसे मैडम पूछेंगी, अगर जो है सही वही बोलिए, जो नहीं है तो उसे आप। जी सर। अच्छा सोनू, ये बताओ कि आते ही साथ आपने पहले फीस दी थी कि आपने क्लास ली? पहले क्लास ली थी, उसके बाद मतलब उसके बाद दिए थे पैसे, और उसमें भी गारंटी दी थी कि चार दिन तक आपको क्लास करना, अगर समझ में नहीं आए तो पैसा रिटर्न ले सकते। पहले आप आए होंगे 26-27 को, हमने आपको एक काउंसलिंग क्लास दी होगी, उसके बाद अगर आपको जमता है तो आपको पेमेंट देना है, नहीं तो नहीं। जी ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, पहले दिन क्या किया था आपने यहाँ पर? पहले दिन मैंने आईसी रिपोर्ट काम किया था। पहले दिन आईसी पे काम किए थे। ठीक है, तीसरे दिन 4G पावर आईसी डन की थी? जी मैम। ऑन बोर्ड में चौथे दिन 4G सीपीयू डन किया था आपने? ऑन बोर्ड में, वो भी खुद का मतलब लाया हुआ था। हाँ। वही बोर्ड पे। ठीक है, और ऐसा आपको बोला गया था क्या कि अगर आप चौथे दिन ऑन बोर्ड में 4G सीपीयू, अगर आप चार दिन तक का जो भी सेक्शन है वो आप नहीं कर पाते हो तो हम आपको फीस दे के रिटर्न कर देंगे, ऐसा बोला गया था आपको? जी ऐसा बोला गया था। क्यों नहीं गए? नहीं, काम के लिए आया था तो पैसा मैं क्यों ले जाना। ठीक है, पेस्टेड आईसी पे काम किए? जी, पेस्टेड आईसी को भी उसको निकाल के रिवॉल्व, मतलब वो भी काम हो गया, आज डबल टेकर का काम है। ठीक है, आज लगभग एक दो दिन में आपका लास्ट हो जाएगा। तो अभी तक बताओ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी, अभी तक के जितने भी सेक्शन है वो अच्छे से समझ आए आपको कि नहीं आए? जी बिल्कुल अच्छे से। प्रैक्टिकल की हो सारा? जी प्रैक्टिकल। खुश हो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके? बिल्कुल खुश है। खुश हो? थोड़ा सा तेज बोलो, समझ में आए? आपके स्टेट से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलोगे? आए बिल्कुल बेधड़क आए, बेझिझक आए, इसमें क्या है, जिसको नॉलेज लेना हो, जिसको टेक्नीशियन अच्छा खासा बनना हो तो आए बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइव चल रहा है, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मैं प्यारुल इस्लाम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। प्यारुल? हाँ। चलिए ठीक है, तो बताइए आज क्या कराया जा रहा है, कितने दिन की क्लास हो रही है? डुअल टेकर कर रहे हो हम। इससे पहले डुअल टेकर या आईसी लेवल पे काम किया था कभी? नहीं, आईसी कभी नहीं किया, इधर आके इसी टेलीकॉम में स्टार्ट किया। इससे पहले आप कितने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो? 2-3 साल से काम कर रहे हो जी, लेकिन कुछ भी नहीं पाता था। आज अभी
ड्यूअल टेकर। तो चलिए ठीक है, जब आपने एडमिशन लिया था तो और भी काफ़ी जगह आपने इंक्वायरीज ली थी कि डायरेक्ट आपने एसए टेलीकॉम इंक्वायरी लिया? डायरेक्ट एसए टेलीकॉम लिया इसलिए क्योंकि एसए टेलीकॉम का भरसा था जो इधर बहुत ज्ञान मिलेगा, इसलिए आया था। तो कुछ बातें मैडम से हुई होंगी जब आपने फ़ोन लगाया होगा, तो वो बातें पूरी हुई कि नहीं हुई? हाँ, वो आपसे मैडम ही पूछेंगी क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है। अच्छा प्यारुल जी, ये बताओ आप इतने दूर से हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो सबसे पहले तो क्या देख के आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? सबसे पहले तो यूट्यूब में या फेसबुक में वीडियो देखता था। उधर अच्छा, वो वीडियो जो आपने देखी है वो फेक है कि जेन्युइन है? आज आप यहाँ बैठे हो तो ये जरा बताओ। आज क्या, इधर आके ज्वाइन होने के बाद ही पता चलेगा, वो जो वीडियो था सभी सच था, कोई भी फेक तो नहीं था, डिफेक्ट नहीं था। अच्छा, मैंने आपको बोला था कॉल में बात करते टाइम कि आपकी 10-10 12-12 घंटे डेली यहाँ पर क्लास होगी, तो जरा बताओ कितने घंटे की क्लास होती है आपकी? इधर हम लोग पहले तो 8 बजे आता था, बाद में 11 बजे आके 10-11 बजे जाता था, रिटर्न जाते थे, मतलब 12 घंटे उससे भी ज्यादा होता था। अच्छा, तो थ्योरी के साथ साथ यहाँ क्या ज़्यादा होता है, थ्योरी ज़्यादा मिलती है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलता है? थ्योरी बराबर मिलता है, बराबर, मतलब प्रैक्टिकल ही आपका ज़्यादा हो जाता है? प्रैक्टिकल ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, संडे वगैरह या बीच में कोई अगर फेस्टिवल पड़ गया तो उसकी छुट्टी मिलती है? नहीं, संडे फंडे कुछ नहीं, इधर नहीं, पूरा आके पूरा दिन काम है। अच्छा, लंच कितनी देर होता है यहाँ? लंच होता है 11 बजे के पहले। मतलब कितनी देर को मिलता है लंच, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो जो 10 मिनट या 15-20 मिनट, इससे खाना खत्म, इससे ज़्यादा नहीं होता, 15 मिनट लगभग। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो आप? हम तो अभी ड्यूअल टेकर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन बोर्ड में 4th दिन 4G CPU डन किया था? हाँ, डन किया था, खुद ही से किया था, खुद ही किया था। पेस्टेड IC पे काम किया था आपने? पेस्टेड IC से काम किया, जब EMC क्लास स्टार्ट हुआ तब से EMC क्लास में भी। कम से कम आपने 5-6 दिन कंटिन्यू यहाँ पर पेस्टेड IC पे काम किया? मिलन के, मिलन से। तब आप जाके आज क्या कर रहे हो? ड्यूअल टेकर, ड्यूअल टेकर हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप खुश हो कि नहीं? बहुत ही खुश हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ, इधर जो नॉलेज है ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है जो दुकान में जाके काम करेगा, इधर का जो नॉलेज देता है टीचर लेवल का नॉलेज देता है। ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल से कोई आना चाहे तो ये बताओ, लैंग्वेज वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदी आपको समझ में आना चाहिए, बोलने का नहीं कहते, नोटबुक लाओगे अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे, हिंदी आपको बस समझ में आना चाहिए। मैं तो पूरा बंगाली में लिखता हूँ, बंगाली में लिखते हो, लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी फ्यूचर के लिए, आपके लिए, आपको जो लैंग्वेज में सुइटेबल लगे आप उसमें लिख सकते हो। तो खुश हो कि नहीं हो ज्वाइन करके? बहुत खुश है, इतना नॉलेज मिला है, पहले सोचा नहीं था इतना नॉलेज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? हम मनीष बिहार से हैं। मनीष जी बिहार से, कितने सालों से हैं इस फील्ड में आप? इस फील्ड में तो सर हम बिल्कुल जीरो थे। नहीं मतलब कहने का मतलब ये था हमारा कि आप कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं आप? सर हम बिल्कुल जीरो थे सर इसके फील्ड में, सर हम इसके पहले हम कुछ हमको जानकारी नहीं थी सर। मतलब जीरो तो थे वो, चलिए ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब इस फील्ड में कितने सालों से काम कर रहे हो आप? एक साल या फिर नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे सर। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इसके पहले बस सेलोल पे हम निर्भर थे, मोबाइल वगैरह, मतलब सेलिंग का काम था, रिपेयरिंग का कोई नहीं, रिपेयरिंग का कुछ भी ऐसा इशू नहीं। तो क्या सोचा आपने कि रिपेयरिंग किया जाए, और इस फील्ड में क्यों स्विच किया आपने? रिपेयरिंग का सर क्या है ना, रिपेयरिंग का बरोबर ग्राहक आते जाते रहते हैं, सेलिंग के ऊपर है सर, एक मोबाइल आज बिक गया तो फिर ग्राहक अब 2-3 साल के बाद ना आएगा, बट फोन में हरदम प्रॉब्लम आता जाता था, ग्राहक बहुत आते थे और रिटर्न होकर चले जाते थे किसी और दुकान। तो ऐसा तो नहीं है केवल आपने ऐसे टेलीकॉम को ही वॉच किया होगा, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट को आपने वॉच किया होगा? जी सर, हमने बहुत से इंस्टीट्यूटों से बात किया, लेकिन यहाँ का जो कंडीशन था, जो बोला गया हमको, यहाँ हम डायरेक्ट बात किए, हम एक महीने में हम प्रोग्राम बनाए और बात किए फतिमा मैम से, हमसे यहाँ से बोला गया कि आपका अगर काम अगर यहाँ अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, तो आप 4 दिन में अपना पैसा लेकर रिटर्न जा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं गए? नहीं, हमको बहुत अच्छा काम मिला, जैसा हम चाहते थे, पूरा फुल वर्किंग करना, फुल वर्किंग मिला हमको। सुबह 8 बजे से आए, रात को 11-12 ऐसे करके 12-16 घंटा हमको काम मिलता गया, हम कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते थे, जो हमको पूरा अवेलेबल मिला यहाँ। ओके, चलिए ठीक है, आपने कहा कि 4 दिन में अगर नहीं हो पाया तो आप पैसे ले सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 दिन तक ही हमने पढ़ाया हो, 5वें दिन से ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, 4 दिन हम यहाँ का मतलब हर एक कंडीशन देखें, टाइम टेबल देखें, हर सेशन का अलग अलग टीचर हैं, उन लोगों का मतलब रहने आने जाने का, स्टूडेंटों से कैसा व्यवहार है, बहुत हमको अच्छा लगा, और वहाँ से लेके फर्स्ट डे से लेके आज तक
हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह हम लोग काम करते गए, जो जिसका नतीजा है कि आज हम डुअल टेकर सीपीयू पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तो बाकी का बात तो मैडम आपसे पूछेंगे कि मैडम ने जितनी आपसे बातें की थी कि आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ कराएंगे, वो सारी चीज़ें पूरी हुई नहीं हुई आप लाइव में बता सकते हैं, वीडियो बता सकते हैं। अगर हम किए हैं तो जाहिर सी बात है ये तो यूट्यूब में भी वीडियो जा सकता है और लाइव हम फेसबुक में भी हैं, तो यूट्यूब में तो चलो एडिट करके डाल सकते हैं, लाइव अभी हम फेसबुक में थोड़ा दिखाना इसके सामने लाओ। अरे ये देख सकते हैं लाइव में भी हैं हम, तो लाइव तो एडिट नहीं कर सकते ना। नहीं सर, लाइव एडिट कैसा होगा। चलिए ठीक है, जो भी है वो मैडम आपसे पूछेंगे। ओके अच्छा मनीष जी, ये बताइए आने के पहले मैंने कुछ कंटेंट आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपको लेकर के आनी, अगर आपके पास हो सकती है तो, कंपलसरी नहीं थी उसमें, तो ये बताओ कि वो चीज़ें कितनी ज़रूरी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो उसमें बताया गया है कि जो अनिवार्य है जो अनिवार्य नहीं है, तो जो अनिवार्य है उसको हर हाल में लेके आना है, तभी यहाँ का हमारा काम सक्सेस होगा 100%। बिल्कुल, मतलब अगर आप वो चीज़ लेकर के आए हो यहाँ पर, तो जो भी आपका डे बाई डे सेक्शन हुआ है आपने उसमें काम किया है। हाँ, हर जब जब जिस सेशन चालू हुआ उस जगह पे हमको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी और उस चीज़ से हमने काम हर एक काम अटैक किया, जो यहाँ पर नहीं बोला गया खुद हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। कोई भी दिन आपको फ्री बैठने देते हैं आप? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, टाइम का तो इतना यहाँ पर वैल्यूएशन है कि आप अगर लंच भी होता है तो 10 मिनट बहुत काफ़ी हो गया, 10 से 15 मिनट मेन टाइम का ही यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यूएशन है। ठीक है, इनसे हमने ब्लैक पेस्टेड बोर्ड लाने के लिए बोले थे, वो हम इसलिए कहते हैं कि इनके बोर्ड हैं ये अपने पास से लेकर आ रहे हैं, इनसे जितना हार्ड ब्लैक पेस्टेड हो पाता है ये उतना लेकर के आएँ। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये चीज़ नहीं रहती कि अरे इंस्टीट्यूट से मिला था, अरे ऐसा मिला था, अरे वैसा दिया होगा, इनका रहता है, इनको पता रहता है और ये उसी पे काम करते डन करते। कितने दिन आपने पेस्टेड आईसी पे यहाँ पर काम किया? पेस्टेड आईसी पर हमने करीब 4-5 दिन काम कर रहे हैं, जो आज छठवां दिन है, हम लोग डुअल टेकर आईसी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। पहले ही दिन से आईसी पे काम किया आपने? हाँ, पहले ही दिन फर्स्ट डे हम लोग आईसी पे काम किए। इनसे पहले दिन हमने नॉर्मल स्टेंसिल से आईसी रिबॉल करवाई थी प्रैक्टिकल में, दूसरे दिन इनसे हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल से आईसी रिबॉल कराई थी, तीसरे दिन इनसे हमने ऑन बोर्ड में 4G पावर आईसी को डन करवाया था। डन किया था आपने? जरूर, हमने 4G चालू फोन से हमने उसको डाउन किया था रिबॉल। मतलब आप फ्रेशर हो, आपने 4G पावर आईसी डन की थी? हाँ, वहाँ पे हमने डाउन की थी। ठीक है, चौथे दिन 4G सीपीयू डन किया था? यस सर। कैसा है यहाँ पे टीचर्स का प्रैक्टिकल बताने का तरीका? बहुत मतलब ट्रिक बाय ट्रिक है, अगर मतलब इस फील्ड में जो बिल्कुल जीरो है वो भी आके यहाँ पे महीनों दिन के अंदर में अपना फुल नॉलेज लेके जा सकता है, जो अदर इंस्टीट्यूट में अगर चाह के भी 2-4-6 साल इतना दिन में नहीं मिल सकता है। देखो, अगर आपको सही तरीका बताया जाता है तो जो चीज़ें आपसे नहीं आती, अगर आपको यहाँ सही तरीका बताया जा रहा है, सही टीचर्स हैं आपके साथ, तो वो चीज़ें भी आप डन करोगे, जैसे यहाँ एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट्स डन कर रहे हैं। अभी फिलहाल क्या कर रहे हो आप? अभी हम डुअल टेकर सीपीयू हम निकालने जा रहे हैं आज, डुअल टेकर पे काम कर रहे हो। तो खुश हो कि नहीं हो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके? बहुत खुश हैं हम यहाँ पे आके, हम उतना खुश हैं जितना बता नहीं सकते हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, अगर आपके बिहार से कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलोगे, आ सकता है? जरूर, एकदम वेलकम है, और आए अपना सेम मेरे ही तरह आए, और 4 दिन है ना यहाँ टाइम, पैसा एक दिन का क्लास ले, पैसा दे, फिर 4 दिन में अगर पसंद नहीं आता तो पैसा लेकर रिटर्न जा सकता है। इनको हमने कहा था कि पहले दिन इनको हम काउंसलिंग क्लास देंगे, काउंसलिंग क्लास के बाद अगर इनको पसंद आता है तो ये अपना जो पेमेंट है वो देंगे, पेमेंट देने के बाद भी 4 दिन तक की इनको पूरी क्लास यहाँ पर मिली, और उसके बाद इनको ये छूट दी गई थी कि अगर पसंद नहीं आता है तो ये खुद फीस लेके रिटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल सबको यहाँ पसंद आया, जब तो हमारा पूरा बैच यहाँ पर बैठा हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे पेज में नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल करो और अपनी सीट बुक कराओ। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नवीन कुमार हो गया, मैं बिहार से हूँ। नवीन जी, आप भी बिहार से हैं, तो क्या आसपास एरिया में रहते हैं या फिर कहाँ पे? हम सीतामढ़ी जिले के या गोपालगंज जिले के। कितना डिस्टेंस है फिर भी? तकरीबन 100 किलोमीटर प्लस समथिंग, 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो चलिए ठीक है, तो आप हमें ये बताइए आज आपसे क्या कराया जा रहा है? अभी जो है हम डुअल टेकर कर रहे हैं। डुअल टेकर आपने निकाल भी दिया शायद? निकाल दिया। तो ये बोर्ड जैसे आपने निकाला होगा तो क्या इसमें पहले से निकला हुआ? नहीं सर, नहीं सर, अभी हम ग्लू कट किए हैं और निकाले हैं। तो ये सारा प्रोसीजर पहले आपको बताया गया स्टेप बाय स्टेप कि कितने हीट और कितने एयर में निकालना है, कब क्लीन करना है, कैसे करना है, माउंट रिमाउंट सब कुछ एक प्रैक्टिकली दिखाया गया आपको? जी सर, बताया गया कि क्या क्या हीट रखना है, कैसे निकालना है, कैसे स्क्रैप पकड़ना है, सारा बताने के बाद ही हम किए। चलिए, तो आप अभी कितने सालों से इस फील्ड में हैं? इस फील्ड में 10 प्लस से हैं सर। तो 10 प्लस से हैं और 18 साल के भी स्टूडेंट, मतलब 18 साल के वर्किंग पीरियड में स्टूडेंट आ चुके हैं। तो एक छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई
ऐसे 10 साल 15 साल से काम कर रहा है तो वो अपडेट होने आना चाहिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, निश्चित आना चाहिए। क्या है कि बिना नॉलेज के काम करेंगे तो वही तुक्के में काम होगा, अगर प्रॉपर नॉलेज लेकर करेंगे तो काम का स्पीड भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा। अच्छा, 10 सालों में क्या काम कर रहे थे थोड़ा ये बताओ। बस जैसे तैसे कर रहे थे सर, जैसे आया कोई सेट तो उसको वाश कर दिया, अगर हिट दिया चालू है तो ठीक है, नहीं तो बाकी आईसी लेवल पे काम। आईसी लेवल पर नहीं, बस छोटा मोटा बस हो गया। तो अभी क्या सोच के ज्वाइन किया, अरे हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट क्यों, क्या जरूरत पड़ी? ऐसा है सर, जहाँ पे थे वहाँ पे अपने आप को हम बहुत अच्छा समझते थे कि काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जब आए ज्वाइन किए तो पता चला कि हम तो जीरो हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं। कुछ नहीं जान रहे हैं, मेन होता है कंपोनेंट का नॉलेज, सर्किटों का नॉलेज, आईसी निकालना लगाना कब है, रिबॉलिंग कब करना है, ये सारा कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो चलिए ठीक है, मैडम से जब आपने ज्वाइन किया था तो मैडम से जो बातें आपकी हुई थी तो वो चीज़ मैडम आपसे पूछेंगी, आप भी बता सकते हो कि वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई, और आप 4 दिन में वापस क्यों नहीं गए? पहले ही दिन जब नॉलेज मिला तो पता चला नहीं यहाँ हमको अच्छा नॉलेज मिल सकता है, और 4 दिन होते होते तो ऐसा लगा कि इससे अच्छा कहीं हो ही नहीं सकता है, इसलिए। चलिए ठीक है, बाकी का मैडम पूछेंगी। अच्छा नवीन जी, ये बताइए, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, अगर आप जैसे सपोज आप बोले आप आईसी पे ज़्यादा काम आप नहीं करते थे, है ना, तो उस हिसाब से अगर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर सीपीयू काम करने के लिए दे दें, या हम आपको ड्यूअल डेकर हाथ में दे दें, या पेस्टेड आईसी आपको हाथ में दे दें, तो डायरेक्ट अगर ये चीज़ अगर आपको पकड़ा दी जाए तो आप कर पाओगे? नहीं, संभव नहीं है ना। मतलब जो सही मार्गदर्शन होता है कि पहले आप नॉर्मल आईसी रिबॉल करना सीखो, फिर आप धीरे धीरे 4G पावर आईसी पे आओ, फिर सीपीयू पे आओ, इस तरीके से जब आप करोगे तब आप कर पाओगे। जी जी जी। तो एशिया टेलीकॉम में आपको इस तरीके से काम जैसा मैंने आपको बताया था वैसा बताया गया कि नहीं बताया? वैसा बताया गया कि डे वन से लेकर के धीरे धीरे प्रोसेस वाइज एक एक स्टेप आगे बढ़े हम लोग, और आज के डेट में डुअल टेकर कर रहे हैं। ठीक है, और जिस डे भी आप जो सेक्शन लेते हो, जैसे कि नेटवर्क हो, चार्जिंग हो, टच हो, लाइट हो, जो भी सेक्शन हो, उसी दिन उसका प्रैक्टिकल करना कितना ज़रूरी है जरा? बहुत ज़रूरी है, अगर हम उस दिन उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो फिर जो है मेरे माइंड से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या हम थ्योरी किए थे, क्या प्रैक्टिकल करना है। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि जिस समय थ्योरी होता है उसी समय प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, उसके बाद फिर से प्रैक्टिकल होता है, ये सबसे और ज़्यादा ज़रूरी अच्छा है ना, प्रैक्टिकल करना आपका बहुत ज़रूरी है, उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भाई इन्हें जो भी सीखा है तो उसका प्रैक्टिकल इनसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है यहाँ पर? है 100%। ठीक है, पेस्टेड आईसी पे आपने काम किया? किया है ना। अभी आपका पूरा हार्डवेयर सेक्शन हो गया है, पूरा सॉफ्टवेयर हो गया है, पूरा आपका EMMC भी एंड हो गया है, तो हार्डवेयर का जैसे कि डेड सेक्शन है, नेटवर्क है आपका देव सर ने लिया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर की क्लास दुर्गेश सर ने ली, कैसा क्या लगा? बहुत ज़बरदस्त, सोच नहीं सकते हैं जितना अच्छा दुर्गेश सर ने क्लास दी है, मतलब बड़ा को छोटा बना करके दिए हैं ताकि तुरंत हम समझ सके क्या दिक्कत है, कैसे कर सकते हैं ना। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर स्किप करने के लिए, कहते हैं कि नहीं मैडम हमसे आता है या हमको पसंद नहीं है, हमको सीखना नहीं है, हार्डवेयर और EMMC बस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका सारी चीज़ें, आपको पसंद हो ना हो या आप काम ना करना चाहते हो, आपका तीनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, तब आपका जो शॉप में सेट बनने के लिए आ रहा है तब प्रॉपर तरीके से बनेगा और रिटर्न नहीं जाएगा। तो खुश हो कि नहीं हो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मैं शमशाद आलम, बिहार से। शमशाद जी, आप बिहार से हैं, तो चलिए शमशाद जी बताइए, आज जो हमारा कंसेप्ट है क्या चीज़ कराया जा रहा है? डुअल टेकर का। डुअल टेकर कराया जा रहा है, तो चलिए ठीक है, ये आपसे पूछेंगे मैडम कि जब आपने एडमिशन लिया था तो एडमिशन में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप जबलपुर आ पाए तो यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने ये 2000 रुपये फीस दे दिया हो, फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो हमारी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स मिला था सर। मिल रहा था, ऐसा तो भी हो सकता है कि हम आपसे 2000 रुपए एडमिशन के नाम पे ले लिए हो और फिर आपका कोई कॉल रिसीव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सर? जब भी हम लोग कॉल किए रिसीव हुआ है। जब तक आप जबलपुर आ नहीं गए तब तक आपको गाइडलाइन मिलती रही कि नहीं? मिलती रही। ऐसा तो नहीं कि आप जबलपुर आ गए फिर कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा है या फिर आप एड्रेस पे नहीं पहुंच पा रहे थे? नहीं सर, जब तक हम लोग होटल पे नहीं है तब तक हमारे पास कॉल जाता रहा। अच्छा, कॉल आता रहा, आप हैं कहां नहीं पहुंचे, अच्छा कितना देर में इंक्वायरीज लेती रही। चलिए ठीक है, तो जब आपने एडमिशन लेते समय काफी सारी बातें हुई होंगी आपकी मैडम की, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो लाइव हमारे हैं, ये रिव्यू नहीं है, ये वो वीडियो है कि अब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हम ये चीज़ पहले नहीं ले रहे थे, ये चीज़ हम ले रहे हैं आखिरी के कुछ लास्ट दिन में ले रहे हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि आपने जो भी बातें आपकी हुई थी इंक्वायरी के टाइम पे, वो सारी चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई? तो वो मैडम से आप पूछिए, और जो नहीं हुआ होगा वो आप मैडम से बता भी सकते हैं कि ये चीज़ आपने मैडम बोला था और ये चीज़ें पूरी नहीं हुई। ठीक है,
क्या नाम है आपका? शमशाद आलम, बिहार से। शमशाद जी हैं बिहार से, तो पहले ये बताइए कि आने के बाद आपको काउंसलिंग क्लास मिली थी कि नहीं? मिली थी। मतलब पहले ऐसा तो नहीं हो कि पहले ही हमने आपसे फीस ले ली हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, काउंसलिंग क्लास के बाद। मैंने आपको बोला था आपको 26 तक यहाँ पहुँचना है, 27 हम आपको एक काउंसलिंग क्लास देंगे, उसके बाद फिर आपको पेमेंट देना है और नहीं जमता है तो आप रिटर्न वहाँ से हो सकते हैं। ऐसे ही हुआ है? हाँ ऐसा ही हुआ, सेम हुआ। ठीक है, मैंने आपको बोला था आपका पहले हार्डवेयर सेक्शन होगा, फिर सॉफ्टवेयर होगा, फिर आपका EMMC होगा, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हुआ आपका या बीच में से कुछ भी पढ़ा? नहीं, स्टेप बाय स्टेप हुआ सर। पहले दिन से IC पे काम कराया आपसे? हाँ, पहले दिन से। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि भाई पहले दिन से आप यहाँ IC पे काम करोगे? जी हुआ, IC पे फर्स्ट दिन से रिवॉल्विंग का हुआ, उसके बाद हम लोग 4G सिपो लाइव मोबाइल से निकाल के फिर से डन किए। अच्छा ये बताओ, फोर्थ डे आपने 4G CPU डन किया था? डन किया था। पेस्टेड IC पे काम किया? हाँ, किया। 6 दिन हम लोग पेस्टेड IC पे कंटिन्यू 6 दिन काम पेस्टेड IC पे काम हुआ है ताकि इनका प्रॉपर तरीके से अच्छे से हाथ बैठ पाए। तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो हार्डवेयर की बात करूं, देव सर का सेक्शन कैसा? बहुत बढ़िया लगा देव सर का क्लास। सॉफ्टवेयर का सेक्शन कैसा लगा? देव सर का क्लास बहुत बढ़िया लगा सर। और उसके बाद अभी आप EMMC मिलन सर से ले रहे हैं, तो मिलन सर की क्लास कैसी लगी? उनका भी क्लास बहुत बढ़िया लगा सर, है ना। इसके बीच अच्छा ये बता दीजिए, जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब सेक्शन तो सबका हो गया एक एक, अब प्रैक्टिकल में कितने टीचर्स होते हैं यहाँ पर? तीन चार टीचर होते हैं। बराबर सब पे ध्यान दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। तो खुश हो कि नहीं हो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन? बहुत खुश हैं आप। डेली कितनी क्लास मिलती है यहाँ? डेली तो कम से कम 14 घंटे 13 14 15 16 घंटा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 1-2 बजे जाते हैं, डेट भी चेंज होता है। नहीं, संडे वनडे कुछ छुट्टी नहीं मिलती यहाँ। जैसा मैंने बताया था सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिली? हाँ, सेम मिली। तो खुश हो कि नहीं हो? बहुत खुश है, बहुत खुश। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर इमाम सर फ्रॉम कर्नाटका। थोड़ा इमाम तेज बोलिएगा। तो इमाम, चलिए आज हमारी किस चीज़ की क्लास चल रही है? डुअल टेकर चल रही है सर। डुअल टेकर की क्लास चल रही है। तो डुअल टेकर फ्रेश बोर्ड दिया गया है कि पहले से वर्किंग बोर्ड? नहीं, नहीं सर, फ्रेश है सर। फ्रेश बोर्ड है, आपने काम भी कर दिया, थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए कितनी क्लीनिंग के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, देख सकते हैं। और जो भी पैड लाइन उखड़ी हुई है वो NC पैड लाइन है, मैं आपको बता दूं। और ये स्टूडेंट चेक कर भी कर सकते हैं कि वो NC है कि नहीं है। तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर, जी सर, सारा नॉलेज ये दिया गया उस लेवल का? जी सर। तो चलिए आप हमें बताइए कि फर्स्ट डे से लेके अभी तक आप यहाँ पे जो भी आप काम यहाँ पे अभी आपने सीखा है, ऐसा तो नहीं लगा कि केवल YouTube का नॉलेज मिल रहा हो और थ्योरिकल, मतलब थ्योरी तो होती है, प्रैक्टिकल ना मिल रहा हो? जी सर, दोनों मिलते हैं सर, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों एक साथ होती है सर। दोनों एक साथ होती है। तो आपने यहाँ पे कुछ सेट में वर्किंग कुछ काम किए यहाँ पे लाइव? करा है सर। क्या क्या काम किया, चलिए आप ही बताइए। ये डबल डेकर कर रहे हैं और वो तो अभी आप कर रहे हो, स्टार्टिंग से IC लेवल से कर रहे हैं सर। IC आपने काम किया, तो चलिए ठीक है। मैडम से आपकी जो फर्स्ट डे से जब आप एडमिशन लेते हैं तो बात होती है मैडम से, तो चलिए मैडम ही बात करेंगे, एक्चुअल में क्या उनसे बातें हुई। अच्छा इमाम जी, कर्नाटक से है ना, तो सबसे पहले तो ये बताओ इतने दूर से आप आए हो तो क्या देख के क्या समझ के आपने एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन किया? क्योंकि मुझसे कॉल में बात करते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट रहते हैं तो उनका ये कहना मैडम यहाँ क्यों नहीं है, मैडम वहाँ क्यों नहीं है, या यहाँ ब्रांच होना चाहिए, तो बताओ मेन जगह का मतलब। अच्छा है मैडम, इधर कोचिंग अच्छी है, कोचिंग अच्छी है इसीलिए, आवाज़ वहाँ तक जाना चाहिए। कोचिंग अच्छी थी मैडम इसीलिए। क्या देख के ज्वाइन किए थे आप, किसी ने बताया था या आपने वीडियोस देखे थे? जैसा भी नहीं, वीडियोस देखे थे मैडम, बहुत सारे वीडियोस देखे थे। हमारे लाइव देखते थे आप? जी सर, जी मैडम। तो अभी यहाँ आके बैठ के काम कर रहे हो तो ये बताओ कि फेक है कि जेनुअन है? यस, सही है सब। सही है, आज आप भी बोल रहे हो यहाँ। ठीक है, पहले दिन से IC पे काम किए? जी मैंने आपको बोला था कि पहले दिन आओगे तो हम आपसे IC पे काम कराएंगे, है ना। पहले मैंने आपको बोला था आपकी हार्डवेयर की क्लास होगी, फिर आपका सॉफ्टवेयर होगा, फिर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो एडवांस लेवल आता है वो EMMC के अंदर आता है, तो आपको ऐसा सिखाया जाएगा। तो सेम चीज़ें मिली कि नहीं? सेम हो रहा है मैडम सब, पहले दिन से ही सेम हो रही है। सेम चीज़ें मिली हैं? जी मैडम। कितने घंटे डेली यहाँ क्लास होती है? 12-13 घंटे डेली होती है। जी मैडम। ठीक है, संडे वगैरह छुट्टी होती है क्या? नहीं मैडम, नहीं होती। नहीं होती। और लंच वंच करने कितनी देर मिलता है? 10-15 मिनट मैडम। 10-15 मिनट, जितनी देर में खाना खत्म हो जाए, है ना। ठीक है, तो फोर्थ डे आपने ऑन बोर्ड में 4G CPU को डन किया था? जी मैडम, डन किया था। आपने पावर IC को डन किया था? थोड़ा सा तेज बोलिए, वहाँ तक पावर IC CPU सब डन किया था। डन किए थे। पेस्टेड IC पे काम किया था? पेस्टेड भी किया मैडम, किया था। और अभी आज आप क्या करने वाले हो? ड्यूअल डेकर कर रहे हो, है ना। तो खुश हो कि नहीं हो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर? हाँ मैडम, बहुत खुश है। यहाँ आके सीखना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है मैडम। अभी ये चीज़ अगर आप ऑनलाइन घर में बैठ के कर रहे होते तो कर पाते क्या? नहीं सीख होता, पाते नहीं, क्या? नहीं होता। जो लोग बोलते हैं कि मैडम ऑनलाइन क्यों नहीं है, आप लोग ऑनलाइन क्लास रखो, ऑनलाइन क्लास इस लाइन में क्या मतलब, आप खुद बताओ ऑनलाइन क्लास का। जब तक यहाँ बैठ के आप काम नहीं करोगे, आप चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे कि हाँ आज हमने ये चीज़ सीखी है तो उसका प्रैक्टिकल हमको करना ही करना है,
तो कैसे आपका क्लियर होगा? ये लाइन तो ऑनलाइन की है ही नहीं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अपने माइंड में क्लियर करके रखो। यहाँ आओ, बैठो, टीचर के साथ जो सही तरीके से सीखना होता है वैसा सीखो और जाके काम करो। तो एक बार आप पैसा लगाओ, एक बार अपना टाइम दो और जेन्युइन जगह पे आओ, जो अपनी हर चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हो। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं सनी शर्मा, मैं महाराजगंज से, महाराजगंज यूपी। जी सर। तो सनी, आप हमें बताइए कि आप वन डे से लेकर अभी तक कैसा रहा डिसिप्लिन और क्या सिखाया गया क्या नहीं सिखाया गया? सर, डिसिप्लिन तो बहुत बढ़िया था और अभी तक डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, MMC कैसे निकालनी है, क्या करना है, पूरा हमें सिखाया गया। कैसे काम करनी है, किस तरह से हमें क्या नियम फॉलो करना पड़ता है, सभी चीज़ का हमें नॉलेज दिया गया सर। तो मतलब डिसिप्लिन ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है सर, अगर हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में तो हमें डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम काम तो सीख लेंगे, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो कस्टमर से, अगर आप, क्योंकि बिज़नेस का एक रूल होता है गुड बिहेवियर, अगर आपके पास अच्छा व्यवहार नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप बिज़नेस ही करने जाने वाले हैं, काम करेंगे, सर्विस देंगे, तभी तो आपको इनकम होगा। तो कैसा रहा यहाँ का डिसिप्लिन और कैसा अभी तक का वन डे से लास्ट डे का भी रहा आपका? सर, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया था, हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिला, हमें कैसे बातें करनी है, कैसे रहना है, कैसे हमें हैंडल करनी है, पूरा सीखने को मिला। और काम की जो फर्स्ट डे है, जब मैं शुरू में आया था तो मुझे लगता था कि पता नहीं सीख पाऊंगा कि नहीं, और अब लास्ट डे पर मुझे लग रहा है कि मैंने सीख लिया। अभी मैंने जो सीखा है वो बहुत मेरे लिए ज़्यादा है, पर अभी और भी सीखें। तो क्या आपकी जर्नी केवल 28 दिन में ख़त्म हो जाने वाली है? नो सर, हमारी जर्नी अभी और आगे तक स्टार्ट हुई है। लाइफ टाइम एक्सेस है कि नहीं है? है सर। ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के फ्यूचर में आपको बोला जाए इतने चार्ज लगेंगे तब आपको अपडेट क्लास दी जाएगी? नो सर, फ्री है। फ्री है। आपने अभी बैकअप स्टूडेंट वालों को देखा आते? जी सर, खुद देखा है लाइव? यस सर। तो चलिए ठीक है, बाकी का मैडम पूछेंगे कि एक्चुअल में जो उनसे बातें हुई थी, मैडम से आपकी जो बातें हुई थी एडमिशन लेते समय, सभी लेते हैं जो एडमिशन लेते हैं पहले मैडम से ही बातें होती है और इंक्वायरीज होती है, तो इंक्वायरीज जो भी बताया था मैडम डिटेल वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सनी, आप ये बताओ कि इसके पहले क्या काम करते थे आप? इससे पहले मैं यही काम करता था पर मैंने छोड़ दिया था, मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं। बहुत सारे मैंने बोर्ड्स ब्रेक कर दिए, बहुत सारे CPU मैंने डैमेज किया। अच्छा, मतलब आप IC पे काम करते थे पर आपको आता नहीं था तो डैमेज कर देते थे? नहीं, बस हीट मारता था मैं, निकालता अच्छा, नहीं था, बनता नहीं था आपसे? नहीं। इधर आके पहले दिन IC रिबॉल की थी? यस मैम। पहले दिन कर ली थी? हाँ। दूसरे दिन आपने यूनिवर्सल से उसको रिबॉल किया था? हाँ, जो CPU डबल डेकर उसको हमने यूनिवर्सल से ही रिबॉल किया था। यूनिवर्सल से दूसरे ही दिन इन्हें रिबॉल किया था। कंपोनेंट्स की भी आपको क्लास दी गई? पूरी मैम, पूरी जानकारी कंपोनेंट्स के। अच्छा ये बताओ, बहुत से स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, आपने अभी देखा होगा इसके पहले के लाइव में, यहाँ 10 साल वाले भी बैठे हुए हैं, 8 साल वाले भी बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ फ्रेशर भी बैठे हुए हैं जिनने कभी शायद ही फ़ोन वोन को खोला हो, थोड़ा बहुत काम किया हो, तो इनको जो जीरो लेवल से है वो देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वही दिया गया कि हमने इनकी क्लास कंपोनेंट से, और जो 10 साल से बैठे उनकी क्लास भी हमने कंपोनेंट से स्टार्ट की क्योंकि उनको डे बाय डे जो डीप लेवल में दिया जाता है नॉलेज इनको वो दिया जाए। तो पहले दिन से आपको क्लास कैसी लगी अभी तक की? बहुत बढ़िया था मैम। चाहे मैं आपसे हार्डवेयर का सेक्शन की बात करूं जो आपका देव सर ने लिया? जी मैम। डेट सेक्शन कैसा लगा था देव सर का? बहुत बढ़िया। डेट सेक्शन में कैसे क्या फॉलो करके हम कैसे डेट कहां पर है, क्या फॉल्ट है उसमें पता कर सकते हैं, पूरा हमें जानकारी मिली, सारी चीजें क्लियर हुई। यस मैम। सॉफ्टवेयर सेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम, सॉफ्टवेयर सेक्शन की तो एकदम बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अभी मिलन सर आपका EMMC की क्लासेस ले रहे हैं अभी तक, तो EMMC की क्लास आपको कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि हमें EMMC को सिर्फ दो रूल्स हमने, दो फार्मूला यूज कर ले उसके बाद EMMC हमारी क्लियर हो गई। मतलब आपको इजी तरीके से कहा जाए तो हार्डवेयर से लेकर अभी EMMC तक की बात करूं, इजी तरीके से आपको सारी चीजें बताई गई है ना? यस मैम, पूरा। तो अभी आप ड्यूअल डेकर कर रहे हो यहां पर? जी मैम। इन्हें भी क्लीन कर लिया है ड्यूअल डेकर? यस मैम। तो खुश हो कि नहीं हो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके? बहुत मैम। फातिमा मैडम ने गलत जगह तो नहीं बुलाई? नो मैम। खुश हो? यस मैम। कोई आना चाहे आपके स्टेट से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, तो क्या कहोगे? आप आओ, आपको यहाँ पर आने के बाद आपके जितने पैसे हैं उसके डबल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि सब चीज़ ये सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होता। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे टीचर कोई गोली नहीं देगा कि आप खा लो उसके बाद सब आएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ मेहनती स्टूडेंट ही टिक पाते हैं? यस मैम, जो सोच सके कि हाँ 13-14 घंटा मैं दे सकता हूँ, हाँ मुझे ये काम करनी है, बस वही भर आए। नहीं तो भाई, आप पैसा बर्बाद करना चाहते हो तो मत आओ आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है,
और यूपी जौनपुर से। मोहम्मद जी, चलिए मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये केवल और केवल एमएमसी के लिए ज्वाइन किए थे, कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएमसी, आप दो में से किसी भी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी केवल ज्वाइन कर सकते हैं और एमएमसी के लिए भी केवल पर्टिकुलर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आए थे केवल एमएमसी के लिए आए थे, तो इनसे ज़्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट तो नहीं है। पर आज क्या कराया जा रहा है सर? आज डुअल डेकर कराया जा रहा है, जिसको डुअल डेकर कराया जा रहा है। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ भी बैठे हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एमएमसी जो भी फुल कोर्स के साथ आप बैठे हो, ऐसा तो नहीं आपको अलग बैठा करके पढ़ा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सबके साथ ही बैठा है। सबके साथ जो नॉलेज उनको दी जा रही है वो नॉलेज आपको भी दी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि आप केवल एमएमसी के लिए आ रहे हो तो आपको दो घंटे पढ़ा करके आपकी वापस भेज दे रहे हैं? नहीं नहीं सर, यहाँ पर 12-13 घंटे डेली पढ़ाई हो रही है। तो चलिए ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि एमएमसी में तो बहुत बड़ा कंसेप्ट रहा नहीं होगा आपको। प्रोग्रामिंग, ब्लैक पेस्टेड, डुअल टेकर, ये सारी बातें आपकी हुई होंगी मैडम से, तो वो सारी चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई? सर अभी एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है नन प्रोग्रामिंग का, वो भी अच्छा, नन प्रोग्रामिंग का भी बताया गया था, वो एक्चुअल हार्डवेयर का है। उसमें आपको एक हार्डवेयर सेक्शन भी मिल जाएगा, MOLED, उसमें आपको ग्राफिक्स लाइट का एक सेक्शन मिल जाएगा, प्लस आपको नन प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगी। तो उसके अलावा जो भी मैडम ने आपको बोला था वो सारी चीज़ें पूरी हुई? बिल्कुल सर, अभी तक तो जितनी चीज़ें बताई गई है वो सारी चीज़ें। तो आपका ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करने का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। सर पहले डुअल डे का मतलब था डुअल टेंशन जी, अब वो क्लियर है? क्लियर है अभी। तो ये सब कुछ आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहे हो कि पहले लाइव आपको करके दिखाया गया? नहीं सर, पहले करके दिखाया गया किस तरह से करना है, क्या हीटिंग रखनी है, क्या एयर रखनी है और कैसे रैम को निकालना है, किस तरह से सीपीयू को निकालना है। okay. वो चीज़ें बताई गई हैं, उसके बाद कराया गया है। तो अभी आप कर पा रहे हो? जी सर बिल्कुल, अभी हमने निकाला, देख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विनोद है, मैं नेपाल से हूँ सर। चलिए ठीक है, आपसे मैडम पूछेंगी, जो एडमिशन लेने से पहले आपसे क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, वो सारा कुछ आपसे मैडम पूछेंगी, और जो हुआ है वो भी बोलिएगा और जो नहीं हुआ वो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा विनोद जी, आप नेपाल से हो तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इतने दूर से हो तो आने में कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं हुई? नो मैम, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, एड्रेस वगैरह सब था आपके पास? सब कुछ था मैम। अच्छा, कुछ आपको आने से पहले कुछ चीज़ें बताई गई थी या कुछ कंटेंट बताया गया था क्या लाने के लिए? बताया गया था, है ना? तो वो चीज़ें इधर बताओ, इधर प्रैक्टिकल की हो तो जरूरी है कि नहीं है वो चीज़? जरूरी है वो चीज़, तो अगर वो नहीं लेके आएंगे तो काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल ही नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। जो नहीं मिलता है तो वो हम देते हैं आपसे। ये भी बोला गया होगा जो फॉल्टी सेट आपके पास पड़े हुए हैं आप बोले आओ सेक्शन के हिसाब से हम आपसे ही रिपेयर कराएंगे, तो किया कि नहीं किया आपने? किया मैम। कैसा लगा आपको हार्डवेयर का सेक्शन, सॉफ्टवेयर का सेक्शन? EMMC भी हमारा लगभग एंड हो गया है। अभी तक की आपकी मैं बात करूँ, मैंने आपसे बोला था कि आपको पूरा जीरो लेवल से लेकर एंड्रॉयड लेवल में जितना भी अपडेट आ चुका है इतना आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, तो आपको मिला कि नहीं मिला? मिला है मैम जी, सब कुछ मिला, स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है मतलब। ठीक है, मतलब इतने दूर से आए तो ये तो नहीं लग रहा कि आप गलत जगह आ गए, आपने गलत इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया? नो नो, खुश है करके? खुश। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी ड्यूल टेकर का कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्ट आपसे हमने ड्यूल टेकर कराया कि पहले हमने जो नॉर्मल IC पे काम करना होता है वो बताया? पहले फर्स्ट दिन में नॉर्मल IC में किया, फर्स्ट डे से ही IC पे काम किया था। यस मैम। तो तीसरा दिन 4G पावर IC को डन किया था आपने? हाँ, ऑनसेट से किया था। चौथे दिन 4G CPU डन किया था? किया था मैम। अच्छा, हमने आपसे ऐसा बोला था कि 4 दिन तक जो भी सेक्शन है 4 दिन के अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको हम फीस दे के रिटर्न कर देंगे। हाँ ऐसा बोला। क्यों नहीं गए? तो काम सीखने को मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे, है ना? पसंद आया? यस मैम। तो खुश हो ज्वाइन करके? खुश है मैम। कोई नेपाल से आना चाहे तो क्या बोलोगे इनके लिए? अगर किसी को काम सीखना है तो प्रॉपर तरीके से वो आ सकता है। अच्छा, आपने क्या देख के ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट? मैंने भी रिव्यू देखा था किसी का, तो देखते थे। तो अभी बताओ, आज उसी जगह पे आप बैठे हो तो वो फेक है कि जेन्युइन है? फेक नहीं है, जेन्युइन है काम, मतलब इजी ट्रिक है यहाँ पे सीखने के लिए। तो अभी ये बताओ कि यहाँ तक हम आपका साथ छोड़ देंगे कि जाने के बाद कभी हमने कोई आपसे वादा किया है? जाने के बाद ही बैकअप क्लास है, मेन चीज जो है यहाँ बैकअप क्लास है, जाने के बाद भी हम इनको सपोर्ट करेंगे। अगर इनका छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इनके बैच के व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उसमें इनको सॉल्यूशन मिलता है। अगर इनको कभी भी ये लग रहा है कि इनको दोबारा आकर यहाँ अपडेट क्लास लेनी है, अपडेट आना है, तो हमने इनको ये नहीं बोला कि आपको एक बार आना है, आपको दो बार आना है या आपको तीन बार आना है। ये जब चाहे तब आ सकते हैं और ये आएंगे तो आप इनको बैकअप क्लास में भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम संदीप और मैं नेपाल से। सर आप नेपाल से हैं, तो नेपाल और इंडिया में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, नहीं। तो नेपाली लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर, नो। कि जैसे हम हिंदी में पढ़ाते हैं तो हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं आ रही है सर। सब कुछ चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती? आती है सर। तो अभी हम बात करेंगे मैडम आपसे, बात करेंगे कि जब आपने एडमिशन लिया था, जैसे आप ये भी नेपाल से हैं तो क्या आसपास के हैं क्या आप? नहीं, दूर है उनके। दूर है आप? तो ये पहले सामने
अच्छा साथ में है, तो बताइए जब थ्रू आउट अभी आज आप क्या कर रहे हो? आज डुअल ट्रिगर के डुअल ट्रिगर की आज पूरे दिन की क्लास है कि केवल एक दो घंटे में आपसे करा करके वापस कर दिया जाएगा? नहीं सर, डुअल ट्रिगर के साथ साथ पूरे बक वोल्टेज आपको बताएगा, पूरी सप्लाइयाँ बताएगी। अगर एक पावर के पास अगर 13 बक कॉयल लगे हुए हैं तो उस 13 बक कॉयल के पर्टिकुलर नाम बताए गए, उसके वोल्टेजेस बताए गए, उसके वोल्टेज कब आएंगे, ऑफ ऑन कंडीशन सब कुछ बताया गया आपको। यस सर। चलिए ठीक है, अब मैडम आपसे पूछेंगे कि जब आपका एडमिशन से पहले जो बातें हुई थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। अच्छा आप ये बताओ पहले तो कि आप जैसे नोटबुक में लिखते हो तो किस लैंग्वेज में लिखते हो? यही कि ये अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत होती हो आप नेपाली हो तो? नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी वो चीज़ें आपको यहाँ आकर मिली कि नहीं? मिल रही है मैम। थोड़ा सा तेज़ बोलिए, क्या माइक है? यूट्यूब तो क्लियर हो जाएगा, लाइव में नहीं आएगा। नहीं मिल रहा है मैम। पहले दिन से आईसी पे काम किए? नहीं जी। अभी क्या कर रहे हो आप? डुअल ट्रिगर का काम कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट इस पे तो आपको काम करने नहीं दिया? नहीं सर। पहले दिन आपसे क्या कराया था हमने? वो रिबॉलिंग का काम हुआ, रिबॉल कराया था आईसी रिबॉल नॉर्मल स्टेंसिल से। दूसरे दिन आपने यूनिवर्सल से किया था। ठीक है, आपको कंपोनेंट्स की भी सारी क्लास दी गई है जी। ठीक है, तीसरे दिन आपने 4G पावर आईसी को ऑन बोर्ड से निकाल के लगा के जिसको माउंट रिमाउंट बोलते हैं वो आपने डन किया था जी। और चौथे दिन आपने 4G सीपीयू को डन किया था जी मैम। तो कैसा लगा अभी तक की क्लास? अगर मैं बात करूं आपकी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, एमएमसी की, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो चीज़ें मिली कि नहीं मिली? मिल रही मैम, बहुत बढ़िया चल रहा है। कितने कितने घंटे क्लास होती है? तो टाइम लिमिट नहीं है मैम। अच्छा पहले बताया था मैंने, तो बिलीव हुआ था क्या कॉल में कि आपकी 12-12 घंटे क्लास रही? नहीं नहीं वो तो नहीं। कोई इंस्टीट्यूट देता है क्या इतनी क्लास? नहीं। प्रैक्टिकल ज्यादा होता है थ्योरी ज्यादा होती है? प्रैक्टिकल थ्योरी एक ही दोनों होता है, प्रैक्टिकल करते करते थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है ना। तो आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके? बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि फीस लगा दी गलत जगह आ गए? खुश हो? खुश हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुनील है और मैं नेपाल से हूँ सर। तो ये भी एक और स्टूडेंट नेपाल से हैं, और एक चीज़ बताऊँ कि जब भी कोई नेपाल स्टूडेंट आता है तो यहीं बैठता है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा नोटिस किया है, आप भी देखेंगे कभी जब भी पहले के रिव्यू देखेंगे तो यहीं बैठते मिलेंगे, इन फ्यूचर शायद आगे भी ऐसे बैठते मिले। तो बताइए आज थ्रू आउट क्या कराया जा रहा है आपसे? आज हमारा डबल डेकर का क्लास है सर। आप इससे पहले काम करते थे इस फील्ड में थे? कभी नहीं सर। इस फील्ड में है ही नहीं? इस फील्ड में तो है पर आईसी का काम कभी नहीं करता। कितने सालों से इस फील्ड में काम? मैं 5-6 साल हो गए सर। क्या कर रहे थे 5-6 सालों? वही कॉम्बो चेंज, चार्जिंग नॉर्मल। तो ये तो आप एक लड़के को भी अगर आप जो काम कराते उसको भी बता दोगे तो वो कर लेगा? अब वही चल रहा था इसीलिए तो उतनी दूर से सीख निकली है कुछ नॉलेज। इंडिया में तो और भी काफी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो आपने वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन किया और यहाँ ऐसे टेलीकॉम? मैं पहले से फॉलो कर रहा था उसको, इसको वीडियो देखता था पहले से ही, इसीलिए मेरा एक दोस्त भी आया था पहले यहाँ पे, उसको देखा मैंने, उसने पहले कैसा था, दोस्त से बात हुई आपकी? हाँ, पहले कैसा था और यहाँ से जाने के बाद कैसा हुआ उसको देखकर मैं समझ गया। उनसे बातें हुई थी आपकी? हाँ सर, उससे बातें होती रही थी, अभी भी होती रहती है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला था? उसने बोला था जाओ इधर उधर भटकने से अच्छा वहीं जाओ तुम जी। उसने बोला इसलिए मैं वहाँ से। चलिए ठीक है, इंडिया से आने नेपाल से आने में इंडिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम नहीं हुई सर। चलिए ठीक है, तो अभी आपसे मैडम जो भी आपकी बातें हुई थी वो आपसे पूछेंगे कि थ्रू आउट वो सारा कुछ डन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट क्लास चल रही है। फाइनल में भी एक रिव्यू लेंगे हम कि ओवरऑल आपका कैसा रहा ये 30 दिनों का सफ़र। चलिए ठीक है। देखिए हमारा इंस्टीट्यूट एक पहला वाहिद इंस्टीट्यूट है जो डेली की जो भी क्लासेस होती है चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो सब हम आपको लाइव दिखाते हैं, और लाइव दिखाने का हमारा यही मकसद होता है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बैठ के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आपको सीधा वहाँ पर देखने को मिले तब आप ज्वाइन करो। तो हमारे साथ फिर एक नेपाल के स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? सुनील। अच्छा सुनील जी, तो क्या करते थे पहले? चलो आपने ये तो बता दिया है ना कि आपने कभी आईसी पे काम नहीं किया, तो पहले दिन किया था आईसी पे? हाँ पहले दिन आते वक्त किया था, ऐसा ट्रिक मिला डन कर दिया है। ठीक है, दूसरे दिन यूनिवर्सल पे किया होगा? यस मैडम। अच्छा ये बताओ कि आते साथ पहले फीस तो नहीं ले ली गई? नहीं नहीं, पहले कम क्लास मिली 2-3 घंटे के बाद में दूसरे दिन 27 तारीख को तब बाद में बुझाया हमने फीस। देखिए हम कोई भी डेमो नहीं देते, आप अगर ऐसे भी देख लो तो हम कोई भी डेमो क्लास नहीं देते, यहाँ आते हैं तो ये छूट रहती है कि आप आ रहे हो पहले, आप चलो आप वीडियोस देख रहे हो लाइव देख रहे हो, उसके अलावा इधर बैठ के थोड़ा सामने आप टीचर को देख लो, उनके पढ़ाने का तरीका देख लो, इनको वो क्लास दी जाती है और उसके बाद भी इनको पसंद नहीं आता है तो ये रिटर्न हो सकते हैं। आज ये यहाँ बैठे हुए क्योंकि इनको क्लास पसंद आई थी, इतने दूर से आके बैठे हुए हैं। तीनों स्टूडेंट जो हमारे हैं वो नेपाल के हैं। तो अभी पेस्टेड आईसी पे काम किया आपने? हाँ कर लिया मैडम। अभी आप ड्यूअल डेकर कर रहे हैं? आज ड्यूअल डेकर की क्लास है, वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुश हो कि नहीं हो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करके? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ सर, शंकर। गुजरात से हैं शंकर आप, तो बताइए गुजरात में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो आपने ये मध्य प्रदेश जबलपुर कैसे ज्वाइन कर लिया? मैं सर यहाँ जो नॉलेज दिया जाता है वो देखा, मैंने फॉलो करता हूँ यूट्यूब में, चाहे फेसबुक में भी देखा वीडियो, जो पढ़ाने का तरीका है वो सब मैंने जज किया कि ऐसा नॉलेज एशिया टेलीकॉम में ही मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिल सकता, इसके लिए आया। तो जैसा कि आपने बताया हमने जज किया, तो जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो क्या वो रियल लगा या फेक लगा? रियल रियल सर, 12-13 घंटे का क्लास है। और आज जो डुअल टेकर और आपको बक वोल्टेज के बारे में समझाया गया, तो ये 1-2 घंटे की क्लास थी कि अभी कंटिन्यू सुबह से चल रही है? कंटिन्यू सुबह से है सर, सुबह से चल रही है यहाँ पे, सुबह से। तो जो बातें आपकी ये वीडियो, ये जो रिव्यू वीडियो नहीं है, ये वीडियो इंफॉर्मेशन वीडियो है कि जब आप पहली बार बातें करते हैं मैडम से, मतलब जब आप इंस्टीट्यूट, आप भी जो फ्यूचर में आप बात करेंगे तो आप या तो मैडम से बात करेंगे या तो MD सर से बात करेंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल कोर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। तो मैडम ने जो भी आपसे बातें की थी वो एक्चुअल में मैडम आपसे पूछेंगे कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? शंकर। गुजरात जी, कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से, तो आप भी पहले हमारे लाइव वीडियोस देखते थे? हाँ, देखा है, देखा है वीडियो। ठीक है, तो आज आप यहाँ बैठे हो, आज आप यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, कितना रियल है? बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। सेम चीजें मिली हैं? हाँ, सेम मिली। मतलब कुछ भी ऐसा जो मैंने आपको बता दिया हो और आपको यहाँ मिला ना? नहीं, सेम है, सेम सब है ना, मतलब जो चीजें रहती है वो मैं बोल देती हूँ, जो नहीं रहती मैं वो भी क्लियर। वही क्लियर। क्या करते थे आप पहले? इसके पहले ऐसे नॉर्मल काम करते थे, जैसे चार्जिंग हो गया, स्पीकर माइक का हो गया, डिस्प्ले। हाँ, IC लेवल का कुछ नहीं जानते थे। IC पे कभी किए ही नहीं? नहीं किया, IC का काम आता था, रिटर्न दे देते हैं, अभी नहीं जाएगा रिटर्न। ठीक है। तो आपसे कहा गया था पहले दिन से IC पे काम किए थे, यहाँ रिबॉल किया था आपने? हाँ, फर्स्ट टाइम किया था यहाँ पे, पहले दिन पे किया था। अच्छा, दूसरे दिन आपने यूनिवर्सल से किया? हाँ, यूनिवर्सल स्टेंसिल से किया था। तीसरे दिन हमने आपको एक ऑन बोर्ड दिया था जिसमें 4G पावर IC को माउंट रिमाउंट करना था। हाँ, वो भी कर दिया था, डन हो गया था। और चौथे दिन आपने लाइव 4G CPU भी डन किया है ना? और ये हमने आपको ये भी कहा था कि आप फीस दे देते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 दिन तक की जितनी क्लास है पूरी लो, अगर आपको नहीं जमता तो हम खुद आपको फीस दे के रिटर्न कर देंगे। तो ये बात सच है कि नहीं है? सच है, सच है। ठीक है, तो अभी तक आपका सेक्शन हो गया, पूरा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया है, देसर का जो हुआ था आपका, है ना? डेट सेक्शन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, डेट सेक्शन भी एक-एक पॉइंट समझ में आ गया। मतलब डेट सेक्शन को बहुत बड़ी बात कही जाती है, तो वो आपका इजी तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया, क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयर की क्लास कैसी रही? सॉफ्टवेयर भी बहुत बढ़िया गया, EMM से चाहे कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा, सब क्लियर हो गया। अच्छा, सेक्शन में तो एक ही टीचर रहते होंगे आपके, है ना? यहाँ प्रैक्टिकल में कितने टीचर हो? प्रैक्टिकल में तो 4 टीचर रहते हैं। सब पर बराबरी से ध्यान दिया जाता है? बराबरी से। तो खुश हो कि नहीं हो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करके? हाँ, खुश है। अगर कोई स्टूडेंट गुजरात से ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलोगे आप उनको? मैं गुजरात से जो आना चाहते हैं वो यही बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए। लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट और हैं, हम इनका नाम और इन कहाँ से हैं ये हम पूछेंगे। वेस्ट बंगाल से रोहित। रोहित मिंटू, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, दोनों पास पास से हैं क्या? 5 किलोमीटर। अच्छा, 5 किलोमीटर। इससे पहले 5 किलोमीटर का अंतर पता था क्या? यहाँ आने के बाद पता चला? पता चला सर। तो अभी जब आप आए यहाँ पे तो दोनों का माइंड सेट तो आपने बातें की, जाहिर सी बात है पास में ही बैठे हो, तो चलिए आज क्या कराया जा रहा है? डुअल टेकर। डुअल टेकर सर। तो डुअल टेकर कराने से पहले आप डायरेक्ट कर रहे हो कि पहले आपको माउंट रिमाउंट करके बताया? माउंट रिमाउंट किया था, बोला है सर, बताया। हाँ, बोल दिया पूरा। एक लाइव फोन में करके दिखाया कि डेड फोन में करके? लाइव चालू फोन से दिखाया। तो चालू फोन में लाइव बोर्ड में काम करके दिखाया, वो ऑन हुआ था कि नहीं हुआ? ऑन हुआ था सर। ऑन हुआ था, यस सर। CPU लगाने के बाद RAM की रीडिंग, CPU लगने के बाद क्या स्टक रीडिंग, ये DC से सब कुछ बोला सर? सब कुछ दिखाया, यस सर। प्रैक्टिकली झूठ बोलना नहीं सर, जो ऑन करके। चलिए, तो ठीक है, थ्रू आउट ये वीडियो मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जब आप कभी इंक्वायरी लेते हैं तो जो बोला जाता है कि हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे, तो सारी चीज़ें मैडम से बातें होती हैं आप लोगों की। तो मैं इतना पूछना चाहूँगा कि मैडम से जितनी आपकी बातें हुई थी, मुझे नहीं पता, वो भी पूछेंगे आपसे, वो सारी चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई? ये सर पूरी हो गई। ऐसी कोई बात एकदम ने बोला ना हुआ? नहीं, पूरी एकदम, जो बोला था वही हो रहा है। हो रहा है, चलिए ठीक है। अब मैडम ने क्या पूछा था वो आपसे मैडम ही पूछेंगे। अच्छा, रोहित जी, मिंटू जी दोनों साथ में हैं, साथ में इनसे बात करते हैं। तो पहले तो ये बताओ, वेस्ट बंगाल से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हुई क्या आप लोगों को? थोड़ा सा दिखा देना इधर आके। नहीं, दोनों को कवर करना।
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई आने से पहले कुछ कंटेंट मैंने बताया था कि हाँ कुछ चीज़ें आपको लेकर के आनी है, जरा बताओ कितना जरूरी है वो सब? बहुत सारे जरूरी है, वो बिना काम नहीं कर सकते, बहुत है ना। ये कहा गया था कि ठीक है जो आपको नहीं मिलेगा तो हम आपसे अरेंज कराएंगे। मिला भी है आज ड्यूअल लेकर का बोर्ड इनको मिला है आज। ठीक है, फॉल्टी सेट वगैरह लेकर के आए थे? यस मैम, लेकर रिपेयर किए कि नहीं किए? रिपेयर किया। ठीक है, तीसरे दिन आपने 4G पावर आईसी को डन किया कि नहीं? एकदम। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आने के बाद डायरेक्ट आपको मतलब सीपीयू दे दिया गया हो कि आप इस पे काम करो, या आपको पेस्टेड आईसी दे दी गई हो? नहीं, पहले रिबल किया था। मतलब जो बेस होता है जीरो से जो बिल्कुल स्टार्ट होता है वो आपको मिला कि नहीं? पहले दिन रिबोलिंग किया था, उसके बाद यूनिवर्सल से रिबोलिंग किया था। पहले दिन इन्होंने आईसी रिबॉल किया था, दूसरे दिन ये यूनिवर्सल से सीपीयू को रिबॉल किया था, है ना। जब इनका नॉर्मली रिबॉल सीखा फिर हमने आपको ऑन बोर्ड दिया, है ना। उसके बाद आप करते करते प्रैक्टिकल में आपने पेस्टेड आईसी पे भी काम किया? पेस्टेड आईसी पे काम किया 5-6 दिन, एक सप्ताह कंटिन्यू किया। अच्छे प्रॉपर तरीके से हाथ बैठा आप लोगों का, है ना। तभी आज आप लोग क्या कर रहे हो? ड्यूअल लेकर कर रहे हो, और आपने क्लीन भी कर लिया है ना इसको। ठीक है, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके खुश हो कि नहीं हो आप? कोई भी आ सकते हैं आपके वेस्ट बंगाल से, अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। ये आ सकते हो आप लोग, जो भी आप लोग देख रहे हो। कितने कितने घंटे क्लास होती है? 12-13 घंटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट और हैं, और आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आशीष है, मैं छिंदवाड़ा MP से। आपका नाम और कहाँ से है? उमाकांत, उड़ीसा से। उमाकांत उड़ीसा से, चलिए ठीक है। तो आज आपका कम से कम 22 दिन हो गया यहाँ पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए, तो ऐसा भी किसी दिन लगा कि जहाँ पे आप एक दिन भी बोर हो रहे हो, या फिर ऐसा दिन लग रहा हो जहाँ पे कुछ भी चीज़ समझ में ना आ रही हो? ऐसा कुछ तो लगा नहीं कि बोर हो रहे करके। जी, आप? बोर नहीं हो रहे सर, पूरा अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो हर एक दिन आपको हर एक दिन सीखने को मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल, हर दिन नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ, हर दिन सब नया नया काम सीखने के लिए। आज क्या काम कर रहे हो? आज ड्यूअल लेकर का काम। इससे पहले करते थे? नहीं सर। कहाँ सीख रहे हो आप? यहाँ एशिया टेलीकॉम में। बहुत हार्ड तरीका यहाँ सिखाने का? नहीं नहीं, बिल्कुल ईजी है सर। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीका है, जो ट्रिक है बहुत बढ़िया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है कि कभी रैम निकाल रहे हैं, कभी सीपीयू निकाल दे रहे हैं, या प्रिंट डैमेज हो जा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। आपका? बिल्कुल भी सर, एक भी पॉइंट डैमेज नहीं हुआ है सर। और जो NC निकल भी रही है पैड, उसको आप पता कर सकते हैं कि NC है या फिर हमारी काम की पैड निकल गई है? हाँ सर, वो हो जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब जो आपकी इंक्वायरी जब आप एडमिशन लेने से पहले जो मैडम से बातें हुई थी, वो बातें पूरी हुई नहीं हुई वो आपको मैडम पूछेंगी, और जो नहीं भी हुई तो भी आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तक आज का डेट अगर मिलाया जाए तो आप लोगों की करीब 25-26 दिन की क्लास हो गई है, है ना, जिसमें आपने कंपोनेंट से लेकर आज आप ड्यूअल लेकर पे काम कर रहे हो। तो अभी तक की क्लास बताओ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे कही थी, सेक्शन के हिसाब से हो, प्रैक्टिकल हो, वो सारी चीज़ें आपको मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली। मिली? हाँ बिल्कुल। आप बताइए। हाँ, सारा मिल गया सर। सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल आप लोगों ने डन किया? हाँ, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल डन किया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय डे बाय डे। बिल्कुल। डायरेक्ट आपको सीपीयू तो नहीं पकड़ाया गया? नहीं नहीं, बोलिए, दोनों बोलिए। नहीं नहीं, पहले दिन ही डायरेक्ट इन्हें आईसी रिबॉल करना ही बताया, पहले कंपोनेंट के बारे में। हाँ, जीरो से आईसी में, नॉर्मल आईसी में। हाँ, कंपोनेंट्स जानकारी थी, बिल्कुल जीरो लेवल। आज आप क्या कर रहे हो? आज ये डबल डेकर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेस्टेड आईसी पे कितने दिन काम किया आपने? पेस्टेड आईसी पे 3-4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया आपने? 5 दिन किया, 6 नंबर दिन है। कंटिन्यू किया? हाँ। ठीक है, कैसा लगा आपको? हार्डवेयर का सेक्शन कहा जाए, डेड सेक्शन हो, नेटवर्क हो, चार्जिंग हो, कैसा लगा? डेड सेक्शन सबसे बेहतर था, और मिलन सर के लिए बहुत बहुत थैंक्स, मिलन सर। अभी MMC की क्लास चल रही है मिलन सर की? हाँ, मिलन सर ने तो बहुत ही अभी तक जितने भी सेक्शन हैं आप लोगों को सारे क्लियर हुए? सारे क्लियर, सबका प्रैक्टिकल आप लोगों ने डन किया? हाँ हाँ। तो खुश हो कि नहीं हो ज्वाइन करके? बिल्कुल। मतलब जितनी भी चीजें बताई गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी तक आपका कुछ भी रह गया हो? नहीं, कुछ भी नहीं रहा। क्लास और रह गई है MOLED iPhone 9 प्रोग्रामिंग, वो मैंने आपको बोला था कि ये चीजें आपको अलग से दी जाएंगी, है ना। अभी तक की बात करें तो खुश हो कि नहीं हो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करके? बहुत ही खुश है, दोनों खुश हो? ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट और हैं फाइनली, और इनका नाम जानेंगे। मेरा नाम गणपति, उड़ीसा से। तेज बोलिएगा गणपति।
मैं महेश नागपुर से महाराष्ट्र। चलिए महेश जी और गणपति जी दो स्टूडेंट हैं हमारे साथ, तो ये फिर से मैं लास्ट वीडियो है, ये रिव्यू वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि जब आप कभी भी, और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है तो मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, जो नंबर है हमारे केवल दो ही नंबर हैं कॉलिंग के नंबर, जो एक मैडम उठाती हैं और एक MD सर उठाते हैं, उनके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। दूसरी चीज़, चाहे मैडम हो चाहे MD सर हो, कोई भी हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और अकाउंट डिटेल हमारा ऑफिशियल ऐसे टेलीकॉम का ही है, अदरवाइज़ आप कोई भी पैसे एक्स्ट्रा फीस ना पे करें कभी भी। तो दो के अलावा और भी कोई नंबर है क्या इंस्टीट्यूट के? नहीं, दो ही नंबर है। नंबर मैं आपको बोल देती हूँ, पहला नंबर है 9644139972, दूसरा नंबर है 7000731192, तीसरा नंबर एक अदर है, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि जो सपोज डेट जैसे नेपाल के स्टूडेंट्स हैं तो वो वॉइस कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, वो नंबर भी मैं आपको बोल देती हूँ 8349474072। इस नंबर के अलावा एशिया टेलीकॉम के तीन नंबर के अलावा कोई भी अदर नंबर नहीं है। अगर आपको कभी भी कॉल आता है तो आप पहले नंबर पहचानो, उसके बाद आप बात करो, बात में भी आपकी या तो मुझसे बात होगी या तो आपकी MD सर से बात होगी। तो जैसे ही आप पेमेंट देते हैं तो रिसिप्ट तुरंत लें, और सारी चीज़ें जो है तो मैडम आपको इन्फॉर्मेशन देंगी ही देंगी। तो फिलहाल हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो इनसे पूछेंगे कि जो मैडम से इनकी बात हुई थी वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए ठीक है, बात करिए। उसके बाद से अपना अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम महेश नागपुर से। महेश जी नागपुर से हैं, और मेरा नाम गणपति है उड़ीसा से। थोड़ा तेज बोलिए गणपति जी, आपकी आवाज़ बहुत कम है। मैं उड़ीसा से गणपति हूँ। दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, तो दोनों से हम बात करेंगे कि चाहे हार्डवेयर की क्लास हो, चाहे सॉफ्टवेयर की क्लास हो, चाहे EMMC की क्लास हो, लगभग बैच जो आपका है वो एंड हो चुका है, अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी मैम, बहुत बढ़िया। पसंद आया? यस। मतलब ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगा कि मतलब आप गलत इंस्टीट्यूट में आ गए, गलत जगह आ गए, या गलत जगह आपने फीस दे दी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। पहले दिन से आपसे कहा गया था आप IC पे काम करोगे, तो आपने किया कि नहीं किया था? हाँ मैम, बिल्कुल किया। दोनों डन किया था? तीसरे दिन आपने ऑन बोर्ड में 4G पावर IC डन की थी? यस जी। चौथे दिन आपने लाइव बोर्ड में 4G CPU को डन किया था? यस मैम। आपने पेस्टेड IC पे काम किया? यस यस। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी डबल डेकर कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हार्डवेयर से बात करते हैं, तो हार्डवेयर आपका पूरा देव सर का होता है, उसमें दो तीन क्लास दुर्गेश सर की भी होती है, तो हार्डवेयर की क्लास से बात करें तो जितने भी सेक्शन आपको हार्डवेयर बताएगा, क्योंकि जो मेन बेस होता है वो हार्डवेयर ही होता है, सबसे बड़ा सेक्शन हमारा हार्डवेयर होता है, जिसके अंदर हम करीब आपको 60-70% चीजें क्लियर कर देते हैं। कैसी लगी हार्डवेयर की क्लास? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर का सेक्शन हुआ, सॉफ्टवेयर की क्लासेस कैसी लगी आप लोगों को? सॉफ्टवेयर की भी बहुत बढ़िया थी, इजी तरीके से बताया गया, बिल्कुल इजी तरीके से, बिट वाइज पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी मिलन सर आपकी EMMC की क्लास ले रहे हैं, मिलन सर की क्लास कैसी लग रही है आपको? मिलन सर की भी बहुत बढ़िया क्लास थी, हैंड स्किल बढ़िया सिखाए हैं मिलन सर ने। अच्छा हार्डवेयर की बात करें, जो डेड सेक्शन होता है बहुत ही टफ होता है, तो वो बताओ कि इजी तरीके से आपको बताया गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल इजी तरीके से बताया, समझ में आया आप लोगों को? जी जी। अच्छा प्रैक्टिकल में कितने टीचर्स होते हैं यहाँ? सर यार पांच टीचर है मिनिमम, 4 से 5 टीचर प्रैक्टिकल में होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम देखिए वैसे भी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते, कॉलिंग बहुत रहती है, बट 25 से 30 स्टूडेंट ही हम एक बैच में रखते हैं, क्योंकि हमें बाकायदा सब पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए इनका बस हमारा फीस लेने का मकसद नहीं है कि एडमिशन करा रहे, हमने फीस ले ली, एक महीने इनको क्लास दे दी, कहानी खत्म हो गई, इनका नाम फ्यूचर में हमारे नाम के साथ जुड़ना है, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हमारा नाम होगा, और ये खराब काम करेंगे तो भी हमारा नाम होगा, तो बाकायदा हम जो है सब पे ध्यान देते हैं। तो खुश हो के नहीं हो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके? बहुत खुश है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी, पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर CPU आपने रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर की है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया? सर डबल टेकर की है लास्ट में। डुअल डेकर की है ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गया। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सी कैसे रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिक्योर डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर? या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।